Seventeen Campos, Page seventeen Canyon, Page seventeen Cape, Page seventeen Carbonation, Page seventeen Cardinal points, Page eighteen Cartography, Page eighteen Cascade, Page Eighteen cash crop, page eighteen cassava, page eighteen catchment area, page eighteen caves, page eighteen celestial bodies, page eighteen census, page eighteen central tendency, page nineteen. Channel, page nineteen. Chemical weathering, page nineteen. Chinook, page nineteen. Coruplet map, page nineteen. Circle of illumination, page nineteen. Cirque, page twenty. Cirrocumulus clouds, page twenty. Cirrostratus, page. 20. Cirrus. Page 20. Class intervals. Page 20. Climate. Page 20. Climatic divide. Page 20. Clouds. Page 20. Clustered settlement. Page 21. Coastal plain. Page 21. Coefficient of correlation. Page 21. Coke. Page 21. Cold front. Page 21. Combine. Page 21. Command area. Page 21. Commercial farming. Page 21. Commercial grain farming. Page 22. Community Owned Resources. Page 22. Compact Settlement. Page 22. Composite Cone. Page 22. Compressed Natural Gas, CNG. Page 22. Condensation. Page 22. Conduction. Page 22. Coniferous Forest. Page 23. Consolidation of Holdings. Page 23. Constellations. Page 23. Continent. Page 23. Continental Crust. Page 24. Continental Drift. Page 24. Continental Shelf. Page 24 Contour Page 25 Contour Barriers Page 25 Contour Plowing Page 25 Conurbation Page 25 Convection Page 25 Convectional Rainfall Page 26 Conventional sources of energy. Page 26. Conventional symbols. Page 26. Corals. Page 26. Coral islands. Page 26. Cordillera. Page 27. Core. Page 27. Coriolis force. Page 27. Cosmopolitan City. Page 27. Cottage Industry. Page 27. Crater. Page 28. Crop Rotation. Page 28. Cross Profile. Page 28. Crust. Page 28. Culturable Command Area. Page 28. Cumulative frequency. Page 28. Cumulonimbus cloud. Page 28. Cumulus cloud. Page 28. Cyclone. Page 29. Cyclonic rainfall. Page 29. Now, let's move to letter C of the Dictionary of Geography, starting at page 17. पेज 17. सी कैल्सिफिकेशन अ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द दक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सर्फेस अंडर एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट कैल्सीकरण मृदा निर्माण की एक प्रक्रिया जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में धरातलीय मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट चूना का जमाव होता है तकलीस मिट्टी बनने का एक अमल जिसमें खुश्क और नीम खुश्क आबोहवा के असर से मिट्टी की ऊपरी सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है कलडेरा लार्ज सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्मड ड्यू टू कोलैप्स ऑफ द क्रेटर। इट कैन बी एज लार्ज एज फोर्टी किलोमीटर इन डायमीटर एग्जाम्पल असोसा इन क्यूशू जापान ज्वालामुखी कुंड ज्वालामुखी विवर के ध्वस्त होने के कारण बना एक विशाल गोलाकार गर्त इसका विस्तार 40 किलोमीटर व्यास तक हो सकता है उदाहरण के लिए जापान के क्यूशु में असोसान आतिशफिशानी तश्त आतिशफ विशानी गड्ढे के धंसने से बनने वाला बड़ा सा दायरा नुमा नशे टुकड़ा इसका कतर 40 किलोमीटर तक हो सकता है मसलन जापान के क्यूशू में असोसान। कैम्पोस द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राजील सिमिलर टू द सवाना इन अफ्रीका कैम्पोस ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका के सवाना घास के मैदान की तरह कैंपोस ब्राज़ील के मुंतक हार्रा में घास का मैदान जो अफ्रीका के सवाना से मिलते जुलते हैं कैनियन अ वेरी लार्ज साइज गॉर्ज विद वॉल लाइक साइड एग्जाम्पल द ग्रैंड कैनियन फॉर्म्ड बाय रिवर कोलोराडो इन यूएसए गंभीर खड्ड या कैनियन एक बहुत बड़े आकार का खड्ड या गॉज जिसके दीवार की तरह किनारे हों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित ग्रैंड कैनियन अमीर खाई बहुत बड़े हजम वाली खाई जिसके किनारे दीवार जैसे होते हैं मसलन रियासत हाय मुतहदा अमेरिका में दरियाए कोलोराडो से बना हुआ ग्रैंड कैनियन केप अ प्रोमिनेंट हेडलैंड प्रोजेक्टिंग इनटू द सी एग्जांपल केप कन्याकुमारी अंतरीप सागर में प्रक्षेपित घुसा हुआ एक प्रमुख शीर्ष भूमि जैसे कन्याकुमारी अंतरीप रास समंदर में अंदर की तरफ जमीन का निकला हुआ सिरा मसलन रास कन्याकुमारी कार्बोनेशन अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग रेन वाटर कंबाइंड विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस वीक कार्बोनिक एसिड च मे डिजोल्व सम रॉक मिनरल्स दिस प्रोसेस इज मोर प्रोमिनंट इन कैल्शियम रिच रॉक्स एग्जाम्पल लाइमस्टोन कार्बोनेशन कार्बोनेशन एक प्रकार का रासायनिक अपक्षय है वर्षा जल वायु के कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कमजोर कार्बोनिक अम्ल बनाता है जिससे शैलों के कुछ खनिज घुल जाते हैं यह प्रक्रिया कैल्शियम समृद्ध शैलों जैसे चूना पत्थर में अधिक प्रभावी होती है पेज 18 कार्बोनेशन ये एक किस्म की कीमियावी फरसूदगी है बारिश के पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर हल्का कार्बोनिक एसिड बनता है जिससे चट्टानों के कुछ मादनियात तहलील हो जाते हैं ये अमल कैल्शियम से भरपूर चट्टानों जैसे चूना पत्थर पर ज्यादा असरअंदाज होता है कार्डिनल पॉइंट्स द फोर मेन डायरेक्शन ऑफ कंपस दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट प्रधान दिग्बिंदु कंपास की चार प्रमुख दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम बुनियादी सिमतें कंपास की चार बुनियादी सिमतें हैं शुमाल Janu, Mashrik or Maghrib. Cartography. The art and science of preparing maps that includes compilation of data and graphs of maps. The term cartography is made up of two Greek words. Kato means piece of papers and graphy means description. Therefore, it is a description marked on a piece of paper. Manchitrikala. मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान जिसमें आंकड़ों का संकलन तथा मानचित्रों का ग्राफ सम्मिलित है अंग्रेजी में ये काटोग्राफी कहलाता है जो दो ग्रीक शब्दों से बना है काटो यानी कागज का एक टुकड़ा और ग्राफी यानी विवरण इस प्रकार कागज के टुकड़े पर अंकित विवरण फन ने नक्शा नवेसी नक्शा नवेसी का फन और इल्म जिसमें आदादोशुमार और खाके शामिल होते हैं अंग्रेजी में इसे कार्टोग्राफी कहते हैं जो दो यूनानी लफ्जों से मिलकर बना है कार्टो यानी कागज का टुकड़ा और ग्राफी यानी बयान या वजाहत अ स्मॉल वॉटरफॉल और अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप लाइक फॉल्स सोपानी जलप्रपात एक छोटा जलप्रपात या सीढ़ी नुमा छोटे प्रपातों की एक श्रृंखला लहरदार आबशार एक कसम का आबशार या छोटे छोटे सीढ़ी नुमा आबशारों का सिलसिला कैश क्रॉप अ क्रॉप मेनली ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट रादर दैन सेल्फ कंजम्पन नकदी फसल किसी फसल को स्वयं उपभोग करने के बदले मुख्य रूप से बाजार में बिक्री हेतु उगाना नकदी फसल वो फसल जो जाती इस्तेमाल में लाने के बजाय बाजार में फरोख्त के लिए उगाई जाती है कसावा एन इम्पॉर्टेंट रूट क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन इट्स रूट्स आर कंज्यूम्ड एज फूड कसावा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कंदमूल जड़ फसल इस पौधे की जड़ें भोजन के रूप में खाई जाती हैं कसावा मुंत हारा की एक अहम जड़दार फसल इसकी जड़ें गजा के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं कैचमेंट एरिया वन एरिया ड्रेन्ड बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अब अ पॉइंट इन द स्ट्रीम टू इट इज ऑल्सो यूज फॉर द एरिया कवर्ड बाय फंक्शंस और सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय अर्बन सेंटर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा जल ग्रहण क्षेत्र एक वो क्षेत्र जिसका जल एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बहाकर ले जाती है दो इसका प्रयोग नगरीय केंद्रों उद्योगों संस्थाओं इत्यादि के कार्यों अथवा संस्थाओं द्वारा आच्छादित क्षेत्रों के लिए भी होता है आबगीर इलाका एक वो इलाका जिसका पानी कोई दरिया और उसके मौविन नदियां बहाकर ले जाती हैं दो उसका इतलाक उन इलाकों पर भी होता है जो शहरी मराकज सनतों और इदारों की तरफ से अंजाम दी जाने वाली खदमात के तहत आते हैं केव्स नेचुरल कैविटी और चेंबर लाइक स्पेस बीनीथ हॉरिजोंटल और उब्लिक इंक्लिनेशन कंदराए पृथ्वी के धरातल से नीचे क्षतिज या आड़े प्राकृतिक रूप से निर्मित रिक्त स्थान या कमरे नुमा जगह गार सतह जमीन पर या उसके नीचे उफकी या उमूदी तौर पर बनी शक्लें जो कोठरी नुमा होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, एग्जाम्पल सन मून स्टार्स प्लैनेट्स एटसेट्रा खगोलीय पिंड आकाश के सभी प्राकृतिक पिंड जैसे सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह आदि अजसा में फलकी आसमान में मौजूद तमाम तबीयी मजाहिर मसलन सूरज चांद सितारे सैारे वगैरह सेंसस, एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एरिया ऑन अ स्पेसिफिक डे नेशनल सेंसिस ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंस द टोटल पॉपुलेशन विद डेमोग्राफिक सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टिस्टिक्स पेज नाइनटीन जनगणना किसी क्षेत्र में एक विशेष तिथि को की जाने वाली कुल जनसंख्या की आधिकारिक गणना राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़ों से कुल जनसंख्या की जनाकिकीय की सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का पता चलता है मर्दम शुमारी किसी खास दिन में मुक्र इलाके की कुल आबादी की सरकारी गिनती कौमी मर्दम शुमारी में आबादियाती समाजी और माशी खसूसियात के साथ मजमू आबादी के आदाद शुमार पेश किए जाते हैं मसलन उम्र जिन्स का तनासुब सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू टू इंडिकेट देंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल मीन मीडियन मोड केंद्रीय प्रवृत्ति किसी वितरण के मध्य या केंद्र को इंगित करने वाला एक प्रतिनिधिमान जैसे माध्य मध्यिका और बहुलक मरकजी रुझान किसी तकसीम के मरकज को जाहिर करने वाली नुमाइंदा कदर मसलन दरमियाना वस्ती और तकसीरी तर्ज चैनल वन कोर्स थ्रू विच वॉटर अलोंग विथ सेमेंट्स फ्लो टू अरो स्ट्रेच ऑफ सी सेपरेटिंग टू लैंडमास कनेक्टिंग टू ओ मो सीज एग्जाम्पल इंग्लिश चैनल एंड टेन डिग्री चैनल बिट्वीन एंडेमैन एंड निकोबार आयलैंड जल मार्ग या प्रणाल एक वो मार्ग जिससे होकर जल अवसाद के साथ बहता है दो एक सकरा समुद्री मार्ग जो दो स्थल भागों को अलग करता हुआ दो या अधिक समुद्रों को जोड़ता है जैसे इंग्लिश चैनल या अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच दस डिग्री चैनल चैनल एक ऐसी गुजरगाह जिसके जरिए पानी रसूबी मादों के साथ गुजरता है दो समंदर का एक तंग हिस्सा जो खुश्की के दो टुकड़ों को अलग करता हुआ और दो या दो से ज्यादा आबी खत्तों को मिलाता हो मसलन इंग्लिश चैनल और जजायर अंडमान निकोबार के दरमियान दस डिग्री चैनल केमिकल वेदरिंग डिकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक मटीरियल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर सच एज सोल्यूशन, कार्बोनेशन एंड ऑक्सीडेशन रासायनिक अपक्षय जल की उपस्थिति के कारण शैलों में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनसे उनका विघटन होता है जैसे विलयन या घोल कार्बोनेशन और ऑक्सीकरण कीमियावी फरसूदगी पानी की मौजूदगी की वजह से चट्टानी मादों का टूटना और बिखरना मसलन तहलील कार्बोनेशी और तकसीद चिनूक अ वॉर्म एंड ड्राई लोकल विंड दैट ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स इन द विंटर एंड रेज इज द लोकल टेम्परेचर चिनूक शीत ऋतु में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढालों पर दक्षिण पश्चिम की ओर से बहने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन जिससे वहां का स्थानीय तापमान बढ़ जाता है चिनूक एक हल्की गर्म और खुश्क मकामी हवा जो सर्दियों में रॉकी पहाड़ों के मशरक ढलानों पर जनूब मगरबी सिमत से चलती है और मकामी दर्ज हरारत में इजाफा करती है मैप अ मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फिन बाय ग्रेडेड शेडिंग टू इंडिकेट द इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ अर्बन टू टोटल पॉपुलेशन एट्सट्रा वर्णमात्री मानचित्र मानचित्र जिसमें विभिन्न तत्वों या परिघटनाओं के वितरण को श्रेणी पर आधारित छायाकरण द्वारा दिखाया जाता है जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में तीव्रता या गहनता मालूम हो सके उदाहरण के लिए जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आदि रंगीन जुमराती नक्शा दर्जाबंद रंग आमेजी के जरिए फी इकाई रकबे में किसी चीज की कसाफत मसलन कुल आबादी में शहरी आबादी के फीसद तनासुब को जाहिर करके किसी खसूसियत को दिखाने वाला नक्शा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन द सर्कल दैट डिवाइड्स द रोटेटिंग अर्थ इनटू डे एंड नाइट प्रदीप्ति वृत्त, वो वृत्त जो घूर्णन करती पृथ्वी को दिन और रात में बांटता है नूरी दायरा गर्दिश करती हुई जमीन को दिन और रात में तकसीम करने वाला दायरा पेज ट्वेंटी सर्क इट इज अ फ्रेंच वर्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब द इरोडेड बेसन मेड बाय द ग्लेशियर ड्यू टू स्टीप हेड वॉल एंड साइड वॉल्स इट लुक्स लाइक एन आर्म चेयर सर्क ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका उपयोग हिम नदी द्वारा अपर्दित गर्थ को वर्णित करने के लिए होता है शीर्ष और दोनों किनारों पर दीवारों की भांति खड़े तीव्र ढाल के कारण ये आकृति एक आराम कुर्सी की तरह दिखती है सिर्क ये एक फ्रांसीसी लफ्ज है जिसका इस्तेमाल ग्लेशियर के जरिए कटे फिटे जमीनी मंजर को बयान करने के लिए होता है इसके सिरे और दोनों किनारों पर दीवार की तरह खड़ी तेज ढलान की वजह से ये शक्ल आराम कुर्सी की तरह नजर आती है सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स थिन एंड पैची व्हाइट कलर्ड क्लाउड्स कंसिस्टिंग ऑफ आइस क्रिस्टल्स एट हाई एल्टीट्यूड 5,000 मीटर टू 18,000 मीटर सी ऑल्सो क्लाउड्स पक्षाभ कपासी मेघ पतले तथा बिखरे सफेद रंग के बादल जो अधिक ऊंचाई 5,000 से 18,000 मीटर पर दिखते हैं और हिम क्रिस्टल से बनते हैं देखें मेघ सुम्बुली अंबारी बादल ज्यादा बुलंदी 5000 से 18000 मीटर पर पतले और पैवंददार सफेदी माइल बादल जिनमें बर्फ रेजे पाए जाते हैं मजीद देखें बादल सिरोस्ट्राटस थिन शीट लाइक क्लाउड्स दैट आर सीन एट दी हाई एल्टीट्यूड 8,000 टू ट्वेल्व मीटर्स सी ऑल्सो क्लाउड्स पक्षाब स्तरी मेघ सफेद परत की तरह अधिक ऊंचाई आठ से 12,000 मीटर पर दिखने वाले बादल देखें सुम्बली चादरी बादल या संबली चादरी बादल से बने सफेद चादर की तरह 8000 मीटर से 12000 मीटर की बुलंदी पर नजर आने वाले बादल मजीद देखें बादल सिरस थिन एंड डिटैच व्हाइट क्लाउड्स कंसिस्टिंग ऑफ आइस क्रिस्टल्स लाइक अपीयरेंस एट हाई 8000 मीटर टू 12000 मीटर सी ऑल्सो क्लाउड्स पक्षाभ मेघ पतले तथा बिखरे हुए सफेद बादल जो हिम क्रिस्टलों से बनते हैं और अधिक ऊंचाई 8000 से बारह हजार मीटर पर दिखते हैं देखें मेघ सुम्बुली बादल या संबली बादल ज्यादा बुलंदी आठ हजार से बारह हजार मीटर पर बर्फ रेजों से बने परों की तरह नजर आने वाले पतले छदरे सफेद बादल मजीद देखें बादल क्लास इंटरवल्स डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ अ क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ग अंतराल किसी बारंबारता बंटन वितरण के ऊपरी वर्ग और निचले वर्ग की सीमाओं स्तर के बीच का अंतर दर्जातीय वक्फा किसी जुमरे की कसरत वकू की तकसीम की निचली आखिरी और ऊपरी आखिरी हदूद के दरमियान फर्क क्लाइमेट द लॉन्ग टर्म जनरलाइज्ड एटमोस्फेयरिक कैरेक्टरिस्टिक्स रेनफॉल टेम्परेचर एंड अदर वेदर रिलेटेड कंडीशंस ऑफ अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सर्फिस जलवायु पृथ्वी के धरातल पर किसी बड़े क्षेत्र में वायुमंडलीय विशेषताओं वर्षा तापमान और अन्य मौसम संबंधी दशाएं का एक लंबी अवधि में लिया गया औसत आबोहवा सतह जमीन के बड़े खत्ते मुतक कुर्र हवा की तवील मुद्दती तामीम शुदा खसूसियात दर्ज हरारत बारिश और दीकर मौसमी हालात क्लाइमेट डिवाइड अ मेजर रिलीफ फीचर सेपरेटिंग टू डिस्टिंग क्लाइमेटिक रीजन्स हिमालय एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड बिटवीन ड्राई एंड कोल्ड नॉर्थ एंड वार्म एंड मॉइस्ट साउथ जलवायुवी विभाजक एक प्रमुख लक्षण फीचर जो दो विशिष्ट जलवायविक प्रदेशों को अलग करता है हिमालय पर्वत उत्तर के शुष्क और ठंडे प्रदेश और दक्षिण के कोष्ण गर्म और आर्द्र प्रदेश के बीच जलवायवी विभाजक का कार्य करता है आबोहवाए फासिल एक अहम तबीयी खदोखाल जो दो मुताज आबो हवाई खितों को अलग करता हो मसलन हिमालय खुश्क सर्द शुमाल और गर्म मरतूब जनूब के दरमियान आबो हवाई फासिल का काम करता है क्लाउड्स अ डेंस कंडेंस्ड मास ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स सस्पेंडेड इन द एयर विजिबल इन द स्काई एट डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स दीज आर ऑफ शेप्स एंड साइजेस Clouds are classified on the basis of two characteristics form and altitude. Two major forms of clouds are stratiform, layered, and cumuliform, globular or massive like cauliflower. According to altitude, clouds are classified as high clouds, cirrus, cirrostratus, and cirrocumulus, middle clouds, altocumulus, and altostratus.

बादलों का वर्गीकरण उनकी दो विशेषताओं रूप और ऊंचाई के आधार पर किया जाता है मेघों के दो मुख्य रूप हैं परदार स्तरीकृत तथा गुच्छेदार या कपासी फूल गोभी की तरह स्थूल ऊंचाई के आधार पर मेघों को उच्च मेघ पक्षाभ पक्षाभ स्तरी तथा पक्षाभ कपासी, मध्य मेघ, मध्य कपासी तथा मध्य स्तरी एवं निम्न मेघ स्तरी वर्षा स्तरी तथा स्तरी कपासी जिन मेघों के नाम के आगे वर्षा जुड़ा हुआ होता है वे वर्षण करते हैं बादल ऊंचाइयों पर आसमान में नजर आने वाले पानी के छोटे छोटे कतरात और बर्फ के बलोरों के कसीफ टुकड़े ये मुख्तलिफ शक्लों और हजम के होते हैं बादलों की जुमराबंदी दो खसूसियात की बुनियाद पर की जाती है शक्ल और बुलंदी बादलों की दो बड़ी शक्लें चादरी परदार और अंबारी कुर्रवी या गोभी के फूल की तरह अंबारदार। बुलंदी के मुताबिक बादलों की जुमराबंदी ऊँचे बादल सुंबुली सुबली चादरी और अंबारी, वस्ती बादल बुलंद अंबारी और बुलंद चादरी और निचले बादल बारानी चादरी अचादरी अंबारी जिन बादलों के नाम के साथ बारानी या निम्बो लगा हो वो तरसीब या प्रेसिपिटेशन पैदा करते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट अ सेटलमेंट वेयर हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द सेटलमेंट इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट सेपरेट फ्रॉम द सराउंडिंग ओपन लैंडस्केप गुच्छित बस्तियां ऐसी बस्ती जहां घर और अन्य मकान पास पास हों और बस्ती अगल बगल के खुले भूभाग से स्पष्ट रूप से अलग दिखती हो खोशानुमा बस्तियां ऐसी बस्ती जहां मकानात और दूसरी इमारतें पास पास हों और आसपास के खुले इलाके में नुमाया नजर आती हों कोस्टल प्लेन लैंड बॉर्डरिंग द कोस्ट लाइन ट ऑफन एक्सटेंड्स ऑफ शोर एज द सबमरीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एग्जाम्पल कोरोमंडल नॉर्दर्न सरकार कोंकन एंड मालाबार कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया तटीय मैदान तट के किनारे की निम्न भूमि बहुधा इसका विस्तार समुद्र की ओर महाद्वीपीय शेल्फ के रूप में होता है जैसे भारत में कोरोमंडल उत्तरी सरकार कोंकण और मालाबार तटीय मैदान साहिली मैदान साहिली किनारे से लगा हुआ नशेबी इलाका ये किनारे से लेकर आजमी शेल्फ तक फैला होता है मसलन कोरोमंडल शुमाली सरकार कोंकण और हिंदुस्तान के मालाबार साहिली मैदान कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिट्वीन टू वेरिएबल्स इट इज डिनोटेड बाई आर एंड इट्स वैल्यू वेरीज बिटवीन जीरो टू प्लस माइनस वन सह संबंध गुणांक दो चरों के बल एवं दिशा के संबंध को मापने का एक मापक इसे आर द्वारा दर्शाया जाता है एवं इसका माप शून्य से जमा घटा एक के बीच में घटता बढ़ता है जरीब इरतबात दो मुतरों के दरमियान ताल्लुक की ताकत और सिमत का एक पैमाना इसे आर से जाहिर किया जाता है और इसके कदर सिफर से जमा घटा एक के दरमियान होती है कोक सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग ब्लैक सब्सटेंस विद हाई कार्बन कॉन्टेंट लेफ्ट आफ्टर वॉलोटाइल पार्ट हैल वन ऑफ इट्स मेजर यूज इज फॉर आयरन स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नस कोक ठोस एवं मजबूत काला तत्व जिसमें कोयले से वाष्पशील पदार्थ निकाल लेने के पश्चात उच्च कार्बन की मात्रा बच जाती है इसका एक प्रमुख उपयोग झोंका भट्टी में लोहे के प्रगलन के लिए होता है कोक कोयले के ऊपर से जलने के काबिल हिस्सों को हटाने के बाद बची हुई कसीर कार्बन की मकदार वाला सख्त और मजबूत सियाह मादा इसका एक अहम इस्तेमाल ब्लास्ट भट्टी में लोहा पिघलाने के लिए किया जाता है कोल्ड फ्रंट इट इज द इंटरफेस फॉर्मड बाय इनवेडिंग कोल्ड एयर मास अंडर द वार्म एयर मास। द कोल्ड एयर मास फोर्सेस द वार्म एयर मास टू राइज ओवर इट कॉजिंग स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फ़ेरिक डिस्टर्बेंस कोल्ड फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म्स सी आल्सो फ्रंट शीत वाताग्र जब आगे बढ़ती हुई शीतल वायु राशि या वायुसहती किसी कोष्ण गर्म वायुसहती को नीचे से आकर विस्थापित करती है वहां दोनों वायुराशियों के संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं कोष्ण वायुसहती ऊपर की ओर उठने को बाध्य होती है जिससे आंधी तूफान आने की संभावना होती है देखें वाताग्र सर्त महाज ये वो दरमियानी सतह है जो गर्म तोदह हवा और सर्द तोदय हवा के टकराने से पैदा होती है सर्द तोदय हवा निस्पतन गर्म तोदय हवा को अपने ऊपर उठाती है जिससे कुर्र हवा में शदीद खलल पैदा होता है और सर्द महाज तूफानी बारिश का सबब होते हैं मजीद देखें महाज कंबाइन अ मशीन दैट प्लाउज सोज And works as a thresher. Combine एक मशीन जो जुताई बुआई और कटाई के साथ अनाज को भूसे से अलग करने के सभी कार्य कर सकती है कंबाइन जुताई बुआई और पैराई तीनों काम करने वाली एक मशीन कमांड एरिया द एरिया सर्वड बाय अ कैनाल सिस्टम थ्रू सप्लाई ऑफ वाटर For irrigation and other purposes. Command क्षेत्र वो क्षेत्र जो एक नहर तंत्र के जल का उपयोग सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए करता है कमांड इलाका नहरी निजाम के पानी से आपाशी आप और दीगर मकासद के लिए मुस्तफीद होने वाला इलाका कमर्शियल फार्मिंग The practice of growing crops and rearing of animals for sale it is characterized by highly mechanized farming with greater use of modern with greater use of modern inputs like high yielding variety seeds chemical fertilizers insecticides pesticides and irrigation in animal rearing scientific and mechanized techniques are used to obtain high yields पेज 22 टू वाणिज्य खेती वो खेती जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन बेचने के उद्देश्य से की जाती है इसकी विशेषता है इसमें अधिकांश कार्यों के लिए मशीनों का उपयोग होता है और आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज रासायनिक खाद कीटनाशक दवाइयों और सिंचाई का प्रयोग ज्यादा होता है पशुपालन में भी अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक और मशीनीकृत विधियां अपनाई जाती हैं तिजारती काश्तकारी फरोख्त के लिए फसलें उगाने और जानवर पालने का रिवाज आला दर्जे की मशीनों से ज़रात जिसमें जदीद अशिया मसलन ज्यादा पैदावार अकसाम के बीच कीमियावी मसनू खादें कीड़ा मार दवाएँ और आबपाशी इसकी खसूसियात में शामिल हैं मवेशी परवरी में ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए साइंसी और मशीन के इस्तेमाल वाले तरीके काम में लाए जाते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कल्टिवेशन ऑफ अ सिंगल ग्रेन क्रॉप इन अ लार्ज एरिया इन अ हाईली मैकेनाइज मैनर फॉर कमर्शियल पर्पसेस एग्जांपल वीट मेज कॉर्न बींग ग्रोन इन द मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड ऑफ द यूएसए वाणिज्य अनाज खेती एक विस्तृत क्षेत्र में अत्यधिक मशीनों का प्रयोग करते हुए किसी एक अनाज की फसल का व्यापारिक उद्देश्य से उत्पादन करना उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में गेहूं या मक्का की खेती तिजारती अनाज काश्तकारी तिजारती मकासद से किसी बड़े इलाके में बड़े पैमाने पर मशीनों की मदद से की जाने वाली सिर्फ एक अनाज की काश्तकारी मसलन रियासत हाय मुतहदा अमरीका के वस्ती अर्जुल बलत पर वाकई जरियी मैदानों में गेहूं या मकई की खेती कम्युनिटी ओन रिसोर्स रिसोर्स ओन्ड एंड एक्सेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, एग्जाम्पल रोड्स पार्कस पैस्टर्स पॉन्ड एट्सेट्रा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास है और वे उनका उपयोग कर सकते हैं जैसे सड़क पार्क चारागाह भूमि तालाब इत्यादि कम्युनिटी के जेरे मिल्कियत वसाइल वो वसाइल जो कम्युनिटी के तमाम अफराद की मिल्कियत हों और जिनका इस्तेमाल सब लोग कर सकते हो मसलन सड़कें पार्क चरागाहें तालाब वगैरह कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हैबिटेशन हैविंग क्लोजली स्पेस ड्वेलिंग्स जनरली फाउंड इन प्लेन्स सहत बस्ती एक निवास क्षेत्र में पास पास सटे हुए आवास जो सामान्यतः मैदानी भागों में पाए जाते हैं मरबूत या गठी बस्ती या गट्ठी बस्ती ऐसी बस्ती जिसमें मकानों के दरमियान फासला बहुत कम हो ये अमूमन मैदानों में पाई जाती है कॉम्पोजिट कोन अ वोल्केनिक कोन हैविंग ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ लावा एंड एश एक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड मिश्रित शंकु एक प्रकार का ज्वालामुखी शंकु जो लावा और राख के एकांतर परतों के रूप में लंबे समय तक जमा होने से बनता है मुश्तरक मखरूत ऐसा आतिशफिशानी मखरूत जिस पर तवील मुद्दत में जमा होने वाला लावा और आतिशें चट्टानी मादे की परतें यके बाद गरे जम गई हों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सी एन जी इको फ्रेंडली फॉसल फ्यूल इट कॉज लेस पोल्यूशन देन अदर फॉसल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल डीजल कैरोसीन एंड कोल संपीडित प्राकृतिक गैस एक पर्यावरण हितैषी जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल डीजल किरोसीन और कोयला जैसे अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषण करता है फशारी कुदरती गैस एक माहौल या दोस्त रकाजी ईंधन ये पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल और कोयले जैसे दीकर ईंधनों के मुकाबले में कम आलूदगी पैदा करते हैं कॉन्डेंसेशन प्रोसेस बाय द वेपर चेंजेस इन टू अ लिक्विड फॉर्म एग्जाम्पल वॉटर वेपर टू वॉटर संघनन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा वाष्प तरल या द्रव में रूपांतरित हो जाता है जैसे जलवाष्प से जल का बनना तकसीफ वो अमल जिससे बुखारात सयाल में तब्दील होते हैं मसलन आबी बुखारात का पानी में तब्दील होना पेज ट्वेंटी थ्री कंडक्शन प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कॉन्टैक्ट डायरेक्टली थ्रू मैटर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ हीट इन मेटल्स चालन पदार्थों से सीधे संपर्क द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया जैसे धातुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ईसाल माद्य के बराहे रास्ते लम्ब से हरारत के मुंतकिल होने का अमल मसलन धातु में हरारत की मुंतकली कोस फॉरेस्ट फॉरेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय कोनिकल ट्रीज विद नीडल शेप्ड लीव्स these forests are generally evergreen such forests are found in climates where temperature is low throughout the year with winter snowfall and the annual precipitation is between 400 to 700 mm. example pine spruce and fir are the common trees of this type of forest shanku vrikshivan in vano kivishtha shankvakar vrikshya जिनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं ये सामान्यतः सदाबहार वन हैं और उन प्रदेशों में मिलते हैं जहां तापमान संपूर्ण वर्ष निम्न रहता है जाड़े में बर्फबारी होती है और वार्षिक वर्षण 400 से 700 मिलीमीटर के बीच होती है इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वृक्षों में चीड़ स्प्रूस और फर हैं सनोबरी जंगल वो जंगल जिनकी खसूसियत ये है कि उनमें नोकीली पत्तियों वाले सनोबरी दरख्त होते हैं ये जंगल अमूमन सदाबहार होते हैं इस तरह के जंगल उन मौसमी हालात में पाए जाते हैं जहाँ साल भर दर्ज हरारत कम रहता है सर्दी में बर्फ गिरती है और सालाना तरसीब 400 से 700 मिलीमीटर होती है मसलन पाइन फर और स्प्रूस इस किस्म के जंगलों में पाए जाने वाले आम दरख्त हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स कंबाइनिंग स्मॉलर प्लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू मेक दम टेक्नो इकोनॉमिकली वायबल फॉर कल्टिवेशन चकबंदी कृषि भूमि की छोटी छोटी जोतों को मिलाकर उन्हें तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उपज के योग्य बनाना चकबंदी जरअी आराजी के छोटे टुकड़ों को यकजा करना ताकि वो तकनीकी माशी एतबार से जरात के काम में लाए जा सकें कॉन्स्टेलेशंस, वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स एग्जाम्पल मेज़र और बिग बैर तारामंडल या नक्षत्र मंडल आसमान में तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा निर्मित विविध प्रकार की आकृतियां जैसे उर्सा मेजर या बिग बेयर तारामल सितारों के मुख्तलिफ ग्रोहों से बनने वाली शक्लें मसलन दुब्बे अकबर या अकदे सुरैया कॉन्टिनेंट अ वेरी लार्ज लैंडमैस यूजअली सराउंडेड बाय ओशन एंड राइजिंग अबव मीन सी लेवल पेज ट्वेंटी फोर महाद्वीप एक बहुत बड़ा स्थल का भाग जो सामान्यतः चारों तरफ महासागरों से घिरा हो और मध्य समुद्र तल से ऊपर उठा हो बर्रजम एक बहुत बड़ा खुश्की का हिस्सा जो अमूमन समंदर से घिरा और औसत सतह समंदर से ऊपर उठा हुआ हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट एस आई एंड एल्यूमिनियम एल दैट मेक्स अपंटिनेंट्स इट इज रेफर्ड एज एस आई ए एल इट्स थिकनेस वेरीज बिटवीन ट्वेंटी एंड सेवेंटी फाइव किलोमीटर महाद्वीप ये पर्पटी भूपरपटी का वो भाग जो सिलिकेट सी और एल्यूमिनियम ए एल से बना हुआ है और जिससे महाद्वीप बने हैं इसे सीएल कहते हैं इसकी मोटाई बीस से पचहत्तर किलोमीटर के बीच होती है बर्रजमी कशर कशरे अर्ज का वो हिस्सा जो सिलिकेट एस SI आई और अल्मोनियम एल से बना है और जो बर्रजमों की तश्कील करता है इसे एस आई ए एल कहा जाता है इसकी मोटाई बीस से पिछहत्तर किलोमीटर के दरमियान होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट द थियोरी पुट फॉरवर्ड बाई एल्फ्रेड वेगना नाइनटीन सिक्सटीन ट ऑल कॉन्टिनेंट व यूनाइटेड एज वन सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पैंजिया एंड ड्रिफ्टेड अपार्ट स्लोली दीज आइडियाज वर रिप्लेस्ड बाई प्लेट टेक्टोनिक थियोरी इन नाइनटीन सिक्सटीज महाद्वीपीय बहाव या विस्थापन एल्फ्रेड वैग्नर उन्नीस सौ सोलह द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जिसके अनुसार सभी महाद्वीप आरंभ में जुड़े हुए एक सुपर महाद्वीप जिसे पैंजिया कहते थे के रूप में थे बाद में वे धीरे धीरे अलग खिसकते गए 1960 के दशक में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने उसका स्थान ले लिया बरेआज़मी आजमी उन्नीस 1916 में एल्फ्रेड वेंगर का पेश करदा ये नज़रिया कि तमाम ब्र आज़म एक अजीम आजम की हैसियत से बाहम मरबूत थे जिसको पंजिया कहा जाता है और रफ्ता रफ्ता एक दूसरे से अलग हुए 1960 की दहाई में इन सब ख्याल की जगह प्लेट साख्त मानी प्लेट टेक्टोनिक नजरिए ने ले ली कॉन्टिनेंटल शेल्फ द जेंटली स्लोपिंग सबमरीन फ्रिंज ऑफ द कॉन्टिनेंट इट एक्सटेंड्स अप टू कॉन्टिनेंटल स्लोप विच अकर्स एट अराउंड 150 मीटर बिलो मीन सी लेवल महाद्वीपीय शेल्फ महाद्वीपों का मंद ढाल वाला अंत समुद्री सीमांत जो महाद्वीपीय ढाल तक विस्तृत होता है और जिसकी गहराई माध्य समुद्र तल से 150 मीटर तक होती है बर्रजमी शेल्फ बर्रजम का कम ढलान वाला समंदर के अंदर का किनारा ये बर्रजमी ढलान तक फैला होता है जो औसत सतह समंदर से तकरीबन 150 मीटर नीचे तक है page 25 contour a line joining points of equal heights on a map the interval between two successive contours is known as contour interval and is constant in a map Samoch rekha madhy tal se saman unchai wale binduon ko milane wali kalpanik rekha do Uttar uttar समोच्च रेखाओं के बीच के अंतराल को समोच्च रेखा अंतराल कहते हैं और ये मानचित्र पर एक समान होती है खते इरतफा नक्शे पर औसत सतह समंदर से यक्षा बुलंदी वाले नुक्तों को जोड़ने वाला खत दो लगातार इर्तफाई खितों की के दरमियान के फासले को इर्तफाई वक्फा कहते हैं जो नक्शे पर मुस्तकिल हैसियत रखता है कॉन्टोर बैरियर्स a bund constructed along contours to check soil erosion. Generally, it is constructed using stones, soil, and grasses. समोच्च रेखीय रोधिकाएं मृदा अपर्दन को रोकने के लिए समोच्च रेखाओं के साथ साथ बनाई गई रोधिकाएं बांध सामान्यतः इनका निर्माण पत्थरों मिट्टी और घास से किया जाता है इतफाई खत बंदिश जमीन के कटाव को रोकने के लिए खतूत इरतफा के साथ बनाई गई मेंड अमूमन इसे पत्थरों मिट्टी और घास की मदद से तामीर किया जाता है कॉन्टो प्लाविंग, टिलिंग और प्लाविंग हिल स्लोप्स पैरल टू द कॉन्टोज टू चेक रनऑफ एंड सॉयल इोशन समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ों के ढालों पर जल को बह जाने और मृदा अपर्दन को रोकने के लिए समोच्च रेखाओं के समानांतर की जाने वाली खेतों की जुताई इतफाई जुताई पानी के बहाव और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इरतफाई ढलान के मुतवाजी पहाड़ी ढलान पर जुताई कॉनबेशन अ लार्ज डिवेलप्ड अर्बन एरिया विच इज फॉर्म्ड द मर्जिंग ऑफ सेवरल सेपरेट सेटलमेंट्स एग्जाम्पल ग्रेटर लंडन दिल्ली, फरीदाबाद गुड़गांव गाजियाबाद सन्नगर विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र जो अलग अलग बसे नगरों के आपस में मिलने से बनता है जैसे ग्रेटर लंदन दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद गाजियाबाद मजाफाती शहर शहर का तोसीय इलाका जिसमें कई नवाही शहरी बस्तियां शामिल हो गई हों मसलन ग्रेटर लंदन दिल्ली, गुड़गांव फरीदाबाद गाजियाबाद वगैरा कन्वेक्शन प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ गैस और लिक्विड टू अनदर बाय द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स संवाहन किसी गैस या तरल पदार्थ में कणों की ऊर्ध्वाधर गति के कारण एक भाग से दूसरे भाग में ताप स्थानांतरण की प्रक्रिया पेज 26 हमल जरात की उमूदी हरकत के जरिए किसी गैस या सयाल में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हरारत की मुंतकली का अमल कन्वेक्शनल रेनफॉल ह्यूमिड एयर ऑन बींग हीटेड बिकम्स लाइट एंड राइजेस इन द प्रोसेस इट एक्सपैंड लूसेस हीट एंड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड रिजल्ट्स इन रेनफॉल संवहनी वर्षा आर्द्र वायु गर्म होकर हल्की होती है और ऊपर उठती है इस प्रक्रिया में यह फैलती है ठंडी होती है और इसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है इसके फलस्वरूप संघनन होता है और वर्षा होती है हमली बारिश मरतूब हवा गर्म होने पर हल्की होती है और हमली रॉ की सूरत में ऊपर उठती है इस अमल के दौरान हवा फैलती है और गर्मी और नमी जज्ब करने की सलाहियत खो देती है इसके नतीजे में तकसीफ का अमल शुरू हो जाता है और बारिश होने लगती है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी द एनर्जी सोर्सेज विच आर इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एग्जाम्पल फायरवुड कोल वॉटर एट्सेट्रा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जो बहुत समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं जैसे लकड़ी कोयला एवं जल रिवायती जराये तोनाई तवील अरसे तक इस्तेमाल में आने वाले तोनाई के जराये मसलन जलाने वाली लकड़ी कोयला पेट्रोल पानी वगैरह। कन्वेंशनल सिंबल्स सिंबल्स यूज ऑन अ मैप टू रिप्रेजेंट वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूढ़ प्रतीक मानचित्रों में विभिन्न भौगोलिक लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक जो सर्वमान्य हैं रिवायतीमत या निशानात नक्शे पर मुख्तफ जोग्राफियाई खूसियात जाहिर करने वाली अलामतें या निशानात जो आलमी पैमाने पर तस्लीम की जाती हैं कोरल्स टाइनी मरीन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पॉलिप्स लाइन क्लोज टू शैलो ओशन फ्लो इन द क्लियर ट्रॉपिकल सीज दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट द स्केलेटन ऑफ कोरल्स फॉर्म कोरल रीफ्स प्रवाल बहुत छोटे समुद्री जंतु जिन्हें पॉलिप कहते हैं उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के साफ छिछले तल के पास मिलते हैं ये जंतु अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकालते हैं इन प्रवालों के कंकालों से प्रवाल वलय या प्रवाल द्वीपों की रचना होती है मरजान या मूंगा मुख्तलिफ बहरी खर्द अज़विये, जो मुंतक हर्राह के साफ उथले समंदर में पाए जाते हैं इनसे कैल्शियम कार्बोनेट खारिज होता है मरजानों के ढांचे मरजानी दीवार कोरल रीफ बनाते हैं कोरल आइलैंड्स आइलैंड्स फॉर्म्ड ऑफ द स्केलेटन्स ऑफ द कोरल पॉलिप्स एग्जाम्पल लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप प्रवालों के कंकाल से निर्मित द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप पेज ट्वेंटी सेवन मरजानी जजीरे मरजानी पोल्प के ढांचों से बनने वाले जजीरे मसलन लक्षद्वीप कॉडिलेरा अ चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस विच आर रफली पैरल और रन इन वन जनरल डायरेक्शन हैविंग इंटरवीनिंग वैलीज इट इज अ स्पेनिश टर्म फॉर अ मेजर ग्रुप ऑफ माउंटन्स कॉर्डिलेरा पर्वत श्रेणियों की एक श्रृंखला जिसमें पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के लगभग समानांतर फैली हों और उनके बीच घाटियां हों यह शब्द स्पेनी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ पर्वतों का एक समूह है कार्डिलेरा या मुतवाजी पहाड़ी सिलसिला पहाड़ों का ऐसा मुतवाजी सिलसिला जो तकरीबन एक ही सिमत में फैला हो और जिसके बीच बीच में वादियां हों हस्पानवी जबान का लफ्ज है जिसका मफहूम है पहाड़ों का बड़ा मजमुआ कोर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थस इंटीरियर कंपोज मेनली ऑफ निकल एन आई एंड आयरन एफ इट इज रिफर्ड निफे it ऑफ टू two parts आउटर लिक्विड पार्ट एक्सटेंड्स बिटवीन between 2900 and 5000 एंड and the किलोमीटर एंड part इनर सॉलिड पार्ट एक्सटेंड्स बिटवीन km below एंड सिक्स surface किलोमीटर बिलो क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाती है यह मुख्यतः निकल और लोहे से बनी है तथा इसे निफे नी निकल फे फेरस यानी लोहा कहते हैं क्रोड के दो भाग हैं बाहरी तरल भाग जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के बीच उनतीस से 5000 किलोमीटर के बीच पाया जाता है और भीतरी ठोस भाग 5000 से 6370 किलोमीटर तक विस्तृत है कल्बे जमीन अंदरूनी जमीन का मरकजी हिस्सा जो खसूसन निकल एन आई और लोहे एफ ई का बना है इसे एन आई एफ ई कहते हैं इसके दो हिस्से हैं बैरूनी सयाल हिस्सा सतह जमीन से नीचे 2,900 से 5,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और अंदरूनी ठोस हिस्सा 5,000 से 6,370 किलोमीटर तक फैला हुआ है कोरियोलिस फोर्स a force caused by the earth's rotation that deflects any free-moving object from its straight path to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere this force has been named after gigi de coriolis who first explained this phenomenon coriolis bal prithvi ke ghoronan ke karanu uttapanbal jiske any koibhi moving vastu उत्तरी गोलार्ध में अपने सीधे रास्ते से दाई और, और दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर ढकेल निक्षेपित दी जाती है इसकी सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक जी जी डी कोरियोलिस के नाम पर इसे कोरियोलिस बल कहते हैं कोरियोलिस कोवत, जमीन की गर्दिश से पैदा होने वाली वो कोवत जो आजादाना हरकत करती हुई किसी शय को उसके रास्ते से शुमाली निसफ कुर्रे में दाई तरफ और जनूबी निसफ कुर्रे में बाई तरफ मोड़ देती है इस कौत का नाम जी जी डी कोरियोलिस से मंसूब है जिन्होंने पहली बार इस अमल की वजाहत की थी कॉस्मोपोलिटन सिटी सिटी वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड नेशनैलिटीज लिव टुगेदर। विश्व जनीन नगर ऐसा नगर जहाँ विभिन्न संस्कृतियों एवं राष्ट्रीयता के लोग साथ साथ रहते हैं आलमी शहर ऐसा शहर जहां मुख्तलिफ तहजीबों और कौमियतों के लोग एक साथ रहते हों कॉटेज इंडस्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय अ वर्कर्स समटाइम्स टुगेदर विद हिज और हर फैमिली एट होम यूजिंग लोकल रॉ मटीरियल्स फॉर अ स्मॉल मार्केट कुटीर उद्योग एक व्यक्ति द्वारा उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल से एक छोटे बाजार के लिए निर्मित वस्तुएं, जैसे खिलौने जूते या बेत आदि से बनी वस्तुएं। पेज ट्वेंटी एट घरेलू सनत घर पर छोटे बाजार के लिए तैयार अशिया की पैदावार जिसमें कारीगर के खानदान के अफराध भी शरीक रहते हैं और मकामी खाम माल इस्तेमाल किया जाता है मसलन खिलौने मिट्टी के बर्तन चमड़े और बैद के सामान क्रेटर अ फनल डिप्रेशन एट ओपनिंग ऑफ अ वोल्केनो थ्रू विच लावा एंड अदर वोल्केनिक मटेरियल्स आउटपोर ज्वालामुखी विवर ज्वालामुखी के मुख पर कीप की आकृति का गर्त, जिसके द्वारा लावा और ज्वालामुखी से निकले अन्य पदार्थ धरातल पर आते हैं आतिश फिशानी दहाना आतिश फिशा के दहाने पर कैफनुमा गढ़ा जिससे होकर लावा और दीगर आतिश फिशानी मादे बाहर निकलते हैं क्रॉप रोटेशन ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन ऑन द सेम फील्ड फॉर मेंटेनिंग सॉयल न्यूट्रिय कंट्रोलिंग वीड्स एंड pests एंड चेकिंग सोयल erosion. शस्यावर्तन एक ही कृषि भूमि पर विभिन्न फसलों को एक क्रम में आवर्तन मृदा के पोषक तत्वों को बनाए रखने जंगली खरपतवार को काबू में रखने और मृदा अपर्दन को रोकने के उद्देश्य से लगाना फसलों की गर्दिश मिट्टी के तगजियाती अज्जा को बहाल रखने खुदरों घासों और कीड़े मकौड़ों पर काबू पाने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक ही खेत में यके बाद दी कई फसलें उगाना क्रॉस प्रोफाइल अ साइड व्यू ऑफ द ग्राउंड कट वर्टिकली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनुप्रस्थ परिच्छेदिका किसी सरल रेखा पर ऊर्ध्वाधर कटी हुई भूमि का पार्श्वचित्र अर्जी नीम सीधे खत के सहारे उमूदी तौर पर कटा हुआ जमीन का बगली मंजर क्रस्ट द आउटर सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इट कंसिस्ट्स ऑफ सीएल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सीमा ओशियानिक क्रस्ट द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज 35 किलोमीटर बिलो कॉन्टिनेंट्स एंड 5 किलोमीटर बिलो ओशंस और पृथ्वी की बाहरी ठोस परत जिसमें सीएल महाद्वीपीय परपटी और सीमा महासागरीय परपटी दोनों ही सम्मिलित हैं इस परपटी की मोटाई महाद्वीपों के नीचे 35 किलोमीटर और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर है कशरे अर्ज जमीन की बाहरी ठोस परत जो एस आई ए एल बर्रे आजमी कशर और एस आई एम ए बहरी कशर से बनी होती है कशर की मोटाई ब्रे के नीचे 35 किलोमीटर और समंदरों के नीचे 5 किलोमीटर होती है कल्चरेबल कमांड एरिया पार्ट ऑफ द कमांड एरिया ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट कैन बी कल्टिवेटेड इट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रॉस कमांड एरिया विच इंक्लूड्स द टोटल एरिया कवर्ड बाय एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग कल्चरेबल वेस्ट कृषि कमांड क्षेत्र एक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का वो भाग जहां खेती हो सकती है ये कुल कमांड क्षेत्र से भिन्न है जिसमें वो भूमि भी सम्मिलित होती है जो खेती के लायक नहीं है अथवा किसी अन्य उपयोग में है काबिले काश्त कमांड इलाका किसी आप पाशी के तहत आने वाले रकबे का वो हिस्सा जिस पर काश्त की जाती हो मजमुई कमांड इलाके से मुखलिफ है जिसमें आबपाशी के तहत आने वाला कुल रकबा और काबिल काश्त बंजर शामिल होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोग्रेसिव एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यूज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन द फाइनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सम्मेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज कैपिटल सिग्मा एफ संचयी बारंबारता वितरण के बारंबारता मूल्यों का क्रमिक जोड़ अंतिम बारंबारता सभी बारंबारताओं के जोड़ के बराबर होती है कैपिटल सिग्मा एफ मजमुई कसरत वकू तकसीम कसरत वक़ू के कदरों में बतदरीज इजाफा हतमी कसरत वकू तमाम वकूओं का मजमुआ होती है सिग्मा एफ क्यूमिलोनिम्बस क्लाउड डार्क ग्रे कलर्ड क्लाउड ऑफ कंसिडरेबल वर्टिकल एक्सटेंट इट इज असोसिएटेड विथ थंड स्टॉम्स एंड हैवी प्रेसिपिटेशन सी ऑल्सो क्लाउड्स कपासी वर्षी मेघ काले धूसर स्लेटी रंग के मेघ जिनका ऊर्ध्वाधर विस्तार काफी अधिक होता है इनका संबंध गरज और बिजली के साथ आने वाले तूफान और मूसलाधार वर्षा से है देखें मेघ अंबारी बारानी बादल उमूदी तौर पर दूर तक फैले गहरे भूरे बादल जिसमें गरज और बिजली की चमक के साथ बहुत ज्यादा तरसीब होती है मजीद देखें बादल क्यूमुलस क्लाउड वाइट एंड ग्रेश कलर डेंस क्लाउड्स विद रिलेटिवली फ्लैट बेसिस फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 हंड्रेड टू टू मीटर इट इज एसोसिएटेड विद फेयर वेदर सी ऑल्सो क्लाउड्स पेज 29। कपासी मेघ अपेक्षाकृत चपटे तल वाले सफेद और धूसर स्लेटी रंग के घने मेघ जो 300 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर दिखते हैं इनका संबंध साफ मौसम से है देखें मेघ अंबारी बादल सफेद और हल्के भूरे घने बादल जिनकी निचली सतह निस्पतन हमवार होती है और जो 300 से 2000 मीटर की बुलंदी पर पाए जाते हैं इसका ताल्लुक साफ मौसम से होता है मजीद देखें बादल साइक्लोन अ सिस्टम ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर विद द लोएस्ट प्रेशर एट द सेंटर and winds ब्लोइंग इनवर्ड्स एट हाई स्पीड circulating इन एन an anti-clockwise direction डायरेक्शन इन द hemisphere and एंड direction in डायरेक्शन इन द सदर्न चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दाब तंत्र जिसके केंद्र में न्यूनतम दाब होता है और बाहर से हवा बहुत तेज गति से भीतर की ओर घूमते हुए बहती है उत्तरी गोलार्ध में ये पवन घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई घूमने की दिशा में बहती है साइक्लोन कुर्रे हवा के कम दबाव का निजाम जिसमें सबसे कम दबाव मरकज में होता है और हवाएं अंदर की तरफ तेज रफ्तार से चलती हुई शुमाली निस्फ कुर्रे में घड़ी मुखालिफ एंटी क्लॉकवाइज सिमत में और जनूबी नस्फ कुर्रे में घड़ी मुफिक क्लॉकवाइज सिमत में गर्दिश करती है साइक्लोनिक रेनफॉल प्रेसिपिटेशन असोसिएटेड विद एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच आर फ्रंटल इन ओरिजिन इन ट्रॉपिकल एरियाज इट इज असोसिएटेड विद साइक्लोनिक डिप्रेशंस चक्रवातीय वर्षा बहिर्उ्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित वर्षा जिसकी उत्पत्ति वाताग्रों के कारण होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये चक्रवातीय निमज्जन से जुड़े हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनी बारिश इब्तदा में महाजी नौयत के मुंत मुतादला के साइक्लोनों से मुताल तरसीब मुंत हारा में उनका ताल्लुक साइक्लोनी नशेबों से होता है लेटेसीग्ल डिक्शनरी ऑफ जियोग्राफी फॉर स्कूल्स एंड रेड बाय Neeraj Yadav and Sumbul Shakil. You were just listening to this presentation. Project Coordination, Rajesh Nimesh. Subject Coordination, Professor Savita Sinha. Project Advice, Dr. Bharti Kaushik. Technical Coordination, Bhatti Langlingdo. Framework Advice, Ajit Horo. Assistance in Production, Amit Kumar. Produced and Directed by Vandana Arimardan. and. This presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.